हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ तानसेन के बारे में, जिसका एप्रिसिएशन है। तो तानसेन, पहले मैं आपको बताता हूँ ये पोएम में तानसेन का क्या है। तो दोस्तों, तानसेन इस पोएम में बताया गया, जो तानसेन है वो राजा का नाइन्थ, जो बोलते हैं ना, नाइन्थ फेवरेट आदमी था, जो गाना गाता था और राजा को खुश करता था। तानसेन की इसमें बहुत सारे लाइन में भी एक्सप्लेन किया है, मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ। जैसे तानसेन को बताया गया कि वो अकबर कोर्ट का सबसे बड़ा सिंगर था और ज़्यादा वो बादशाही कोर्ट में गाना गाता था। उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, सिल्वर बेल्स की जैसे जैसे यहाँ पे बहुत लिखा है, और उसको डायमंड ये सब मिलता रहता था जब भी वो गाना गाता था। एक दिन वो गाना गा रहा था तो फायर वाला गाना गा दिया, जिसकी वजह से राजा मीन्स जैसे लग रहा था आग लग रही है राजा के अंदर। फिर एक मैडम आई जो यंग थी, उन्होंने कोल्ड सॉन्ग गाया, जिसके वजह से राजा कूल डाउन हो गया। उसके बाद राजा ने, जो अकबर था, वो तानसेन से पूछता है कि आपको ये सिखाने वाला कौन है। तो तानसेन बोलता है कि ये मेरे एक टीचर है जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी सिखाई। तो फिर राजा के मन में ये याद आता है कि मैं उनकी टीचर से क्यों ना मिलूं, क्योंकि तानसेन इतना अच्छा गाता है तो उनकी टीचर इससे भी अच्छी गाते रहेंगे। तो तानसेन बोलता है कि आप वैसे ही नहीं मिल सकते, क्योंकि हमारे जो टीचर है वो मीन्स अमीर लोग से नहीं मिलते, वो गरीब लोग से ही मिलते हैं। तो तानसेन बोलता है आपको मीन्स एक सिंगल जैसे बोलते हैं ना, नॉर्मल आदमी की तरह जाना पड़ेगा। जैसे भी ज्वेलरी ये सब है वो सब नहीं पहन कर जाना है, नॉर्मल आदमी की तरह जाना है। तो राजा बोलता है ठीक है। फिर वो लोग जाते हैं, वो बहुत दूर रहता है वो, और वो पहाड़ के ऊपर रहता है, और जो टीचर थे वो सब मीन्स दूसरों से मतलब रखना सब छोड़ दिए थे, और वो एक केव में रहते थे जो हिमालय के पास रहता था। तो लोग चलते गए चलते गए चलते गए, जब जंगल में जा कर हिमालय के पास पहुँचे, तब तानसेन अपने टीचर को बोलता है ये मेरे दोस्त हैं, इनको आपके गाना सुनना है। तो जो टीचर रहते वो बोलते हैं ठीक है बैठते हैं। जब बैठते हैं, जब टीचर गाना गाते हैं, तो गाना गाने के बाद सारे जो झाड़ पेड़ उधर के बाजू के सारे एनिमल्स रहते हैं ना, वो जैसे सिंगिंग स्टार्ट करते हैं सारे उनके पास अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जब अट्रैक्ट होते हैं तो ये सब जन का आँख बंद कर रहते हैं, आँख बंद रहता है। फिर आँख खोलने के बाद जब राजा देखता है कि तानसेन के जो टीचर है वो है ही नहीं उधर, तो राजा रहता है किंग अकबर, वो तानसेन से पूछता है कि तुम्हारे टीचर कहाँ गए। तो तानसेन बोलता है कि वो भगवान के लिए गाते थे और मैं मीन्स इंसान के लिए, आप लोग के लिए गाता हूँ। तो भगवान को खुश करते थे, मैं आपको खुश करता हूँ, इसके लिए वो भगवान के ख्यालों में चले गए। और वो लाइन, लास्ट वाली जो लाइन थी उसमें बहुत क्लाइमेक्स बताई गई थी। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ एप्रिसिएशन ऑफ पोएम की। अभी एप्रिसिएशन पोएम में भी आपको मैंने बताया था, फिर से एक बार बता रहा हूँ। पहला रहता है टाइटल, फिर ऑथर, राइमिंग स्कीम्स, फेवरेट लाइन, सेंट्रल आइडिया, फिगर ऑफ स्पीच, फेशियल फीचर, और लास्ट वाला रहता है व्हाई आई लाइक डोंट लाइक द पोएम। दोस्तों, मैं आपको पहले बताता हूँ टाइटल क्या होती है। टाइटल होती है जो टॉपिक का नाम रहता है वो, दूसरा ऑथर है, किसने पोएम लिखा है, राइमिंग स्कीम, जैसे राइमिंग वर्ड रहता है लेकिन वो ये थोड़ा अलग रहता है, इसमें साउंड को मैच करना रहता है राइमिंग स्कीम में, और ए बी बी ऐसा आता है। दूसरा है फेवरेट लाइन मतलब हमको कौन सी लाइन पसंद आई वो फेवरेट है। और दूसरा है थीम और सेंट्रल आइडिया। थीम और सेंट्रल आइडिया मीन्स हमको बताना रहता है कि जो पोएट है हमको क्या बताता है। फिगर ऑफ स्पीच, दोस्तों फिगर ऑफ स्पीच में भी अलग अलग रहते हैं, जैसे एलिट्रेशन, रिपीटेशन, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, बहुत सारे जो वर्ड रहते हैं एंटीफेसेस, ये सब फिगर ऑफ स्पीच में आते हैं। स्पेशल फ्यूचर क्या बताना रहता है कि हमको पोएम से क्या सीख मिलती है, जैसे बहुत सारे पोएम्स हमको कुछ ना कुछ सीख मिलते हैं, इसमें भी वही बताना रहता है। फिर लास्ट वाला बताना रहता है व्हाई आई लाइक डोंट लाइक द पोएम, मतलब इसमें है कि हमको वो पोएम पसंद आई और नहीं पसंद आई तो क्यों नहीं पसंद आई। ठीक है दोस्तों, तो मैं डायरेक्टली आपको स्टार्ट कर देता हूँ, जैसे मैंने पीछे लिखा है इसके बारे में। दोस्तों मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों टाइटल का मतलब जो पोएम लिखता है, जो इसकी टॉपिक रहती है किसके, जैसे यहाँ पे तानसेन है टॉपिक, तो टाइटल तानसेन आएगा। ठीक है दोस्तों, ऑथर मीन्स इसने पोएम किसने लिखा, तो ऑथर हमेशा हमको लास्ट में मिल जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा है हजरत इनायत खान, तो यहाँ पे है हजरत इनायत खान। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं राइमिंग स्कीम।
दोस्तों राइमिंग स्कीम में हमको थोड़ा समझना रहता है कि राइमिंग स्कीम होती क्या है। जैसे दोस्तों राइमिंग स्कीम में हमेशा लास्ट वर्ड देखा जाता है। जैसे यहाँ पे कोट है और यहाँ पे फोर्ट है। दोस्तों ये देखिए, ये दोनों का साउंड थोड़ा मैच हो रहा है, कोट फोर्ट। तो ये जो साउंड मैच होता है उसको ए और ए नाम देते हैं, मीन्स ए कोट और ये फोर्ट, ये दोनों ए है। अच्छा, इसके साथ कोई और साउंड मैच होगा तो उसको भी ए नाम देंगे, लेकिन नहीं मैच होगा तो बी नाम देंगे। जैसे यहाँ पे बेल्स टेल्स, ये भी मैच हो रहा है लेकिन ये कोट और फोर्ट से मैच नहीं हो रहा है, तो इसके लिए इसको बी नाम देंगे। तीसरा है जेम डाइडेन, मीन्स इसमें भी जेन और डाइडेन में भी मिक्स हो रहा है इसमें का भी, और ये ना ही कोट से मिल रहा है ना ही बेल से मिल रहा है, तो इसको सीसी देंगे। दोस्तों इस पोएम में बहुत सारे राइमिंग स्कीम्स है, तो हम इतने राइमिंग स्कीम पूरे नहीं लिखेंगे। इसके लिए यहाँ पे जैसे लिखा हूँ मैंने ए ए बी बी सी सी डी डी, और उसके आगे मैंने डॉट डॉट डाले, मीन्स इसके आगे कंटिन्यू है। ठीक है दोस्तों, आपको भी ऐसा ही करना है, नहीं तो आप इतना डी डी लिखेंगे आपका मार्क्स कट हो सकता है। इसके लिए आपको पूरा लिखने का। ठीक है, अभी आते हैं फेवरेट लाइन पे। दोस्तों देखिए, मैंने जैसे फेवरेट लाइन यहाँ पे बताया, ओ नो टू थी आई सिंग ही सिंग टू गॉड, मतलब वो बोल रहे कि ये मीन्स मैं जो गाता हूँ वो सिर्फ लोगों के लिए गाता हूँ और जो मेरे टीचर्स थे वो गॉड के लिए गाते, इसके लिए मेरे को फेवरेट लाइन लगी है। ठीक है दोस्तों, आपको चाहिए तो इसमें से आपको कौन सी भी एक लाइन लिखनी रहती है, नीचे या ऊपर वाला, कौन सा भी इसमें एक लाइन लिखना रहता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं थीम और सेंट्रल आइडिया। थीम और सेंट्रल आइडिया में हमको बताना रहता है कि हमारा जो मीन्स जो पोएट है जिसने पोएम लिखे वो हमको वो बता क्या रहा है हम लोग को। जैसे यहाँ पे लिखा है दिस इज स्टोरी ऑफ अकबर, मीन्स ये स्टोरी अकबर की है, और अप्रिसिएशन ऑफ तानसेन सिंगिंग हिज मीटिंग विद तानसेन टीचर, मीन्स इसमें बताया गया जो अकबर है वो तानसेन के बारे में सिंगिंग के बारे में बताया, और जो अकबर है वो तानसेन के टीचर से भी मिले। ठीक है दोस्तों, और एक लास्ट लाइन है द फाइनल लाइन्स लीड टू द क्लाइमेक्स ऑफ स्टोरी, मीन्स जो फाइनल लाइन थी जिसमें बताया गया कि वो अचानक से गायब हो गए गाना गाते गाते, तो उसमें वो क्लाइमेक्स बताया गया उनके बारे में कि वो फाइनल लाइन में वही लिखा है। ठीक है दोस्तों, अभी आगे बढ़ते हैं फिगर ऑफ स्पीच की। फिगर ऑफ स्पीच बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो इसमें मैंने लिखा है रिपीटेशन, क्योंकि मैंने यही सोचा क्योंकि ये एक लाइन याद हो जाएगी तो फिगर ऑफ स्पीच भी ईजी पड़ जाएगा हमको याद करने में। तो दोस्तों फिगर ऑफ स्पीच में देखिए, मैंने लिखा है पहला रिपीटेशन लिख दिया क्योंकि ये रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच है। मैंने उसमें लाइन लिखा है ओ नो टू थ्री आई सिंग ही सिंग्स टू गॉड, मतलब दोस्तों जैसे इसमें बताया गया है सिंग, ये दोनों सेम वर्ड है, इसके लिए रिपीटेशन हो गया, नहीं तो आपको यही लाइन को आप एलिट्रेशन का भी नाम दे देंगे। एलिट्रेशन में सिर्फ आपको फर्स्ट जो वर्ड रहेगा उसको देखना, जैसे यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे, मतलब ये एक से ज़्यादा हो जाएंगे तो वो सब हो जाएगा। तो जैसे इसमें रिपीटेशन है तो दो सिंग गा रहे, तो इसके लिए वो रिपीटेशन हो गया। उसके आगे थोड़ा सा एक पॉइंट ऐड कर देंगे, द लाइन आर रिपीटेड द साउंड ऑफ लेटर इज सिंग, मतलब इसमें जो साउंड यूज किया गया है लाइन में जो रिपीट हो रहा है वो सिंग साउंड है। ठीक है दोस्तों, ये फिगर ऑफ स्पीच था अभी स्पेशल फ्यूचर में। अब ये स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है वही स्पेशल फ्यूचर में बताना रहता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है द स्टोरी इज टोल्ड सिस्टमैटिकली एंड लॉजिकली एंड कैन इजीली अंडरस्टैंड एंड द लास्ट लाइन इज द क्लाइमेक्स ऑफ द पोएम, इसमें हमको हर टाइम पे बता रहा है कि लास्ट लाइन है जो क्लाइमेक्स है। तो स्टोरी में कोई इजी है क्योंकि इसमें बहुत लॉजिकल बात बताई गई है और ये बहुत इजीली अंडरस्टैंड हो जाती है हम लोग को। इसके लिए स्पेशल फ्यूचर में बहुत शॉर्ट छोटा सा ही है, बहुत जल्दी भी याद होता है और ये बहुत ईजी भी है, मीन्स इसमें सिस्टमेटिकली सब लॉजिक चीज़ बताई गई है। एक बार पढ़ेंगे पोएम, मीन्स इसमें ज़्यादा हाइपरबोल भी बताया गया है कि वो गायब हो जाते हैं, ये सब हाइपरबोल है। ठीक है दोस्तों, लास्ट लाइन है व्हाई आई लाइक डोंट लाइक द पोएम, मीन्स हमको ये पोएम पसंद है तो क्यों पसंद है, नहीं पसंद है तो क्यों नहीं पसंद है। मेरे को ये पोएम पसंद है इसके मैं लिखा हूँ आई लाइक द पोएम बिकॉज। दोस्तों बिकॉज हमेशा यूज होगा क्योंकि वाई जब बोलेगा तब हमेशा बिकॉज यूज होता है। आई लाइक द पोएम बिकॉज इट इज इन द फॉर्मेट ऑफ स्टोरी एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, मतलब इसका जो फॉर्मेट ऑफ स्टोरी है वो ईजी है और समझ में भी हमको आ जाते हैं, इसके लिए मेरे को ये पोएम बहुत पसंद है। ठीक है दोस्तों, ये तानसेन हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट्स करें, और कोई जो जानना चाहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे सिल्वर है, प्लीज़ लिसन तानसेन। ठीक है दोस्तों, आपको ईजी पढ़े।
तो आप समझ आपको इजी तो लगेगा ही क्योंकि बहुत छोटा छोटा पॉइंट है। अगर आपको समझ में आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं समझ में आता है तो एक बार फिर से देखिए कि समझ में आ जाए, और लाइक करना ना भूलिए दोस्तों। थैंक यू।